हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फिजिक्स। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टडी किया था, बैरोमीटर, जिसका यूज करते हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सराउंडिंग का प्रेशर मेजर करने के लिए। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज नेम्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। सो इस इंस्ट्रूमेंट का हम बेसिकली यूज करेंगे किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए, और उस गैस को हमने किसी कंटेनर के अंदर भरा होगा। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर अ प्रेशर ऑफ गैस कंटेन्ड इन द कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर गैस भरा होगा और उस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। सो इस लेक्चर के अंदर हम ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे। इसके बाद इसी दोनों इंस्ट्रूमेंट, मतलब बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब बेस पे ये जो हम मैनोमीटर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम यूज करेंगे यू शेप की एक ग्लास ट्यूब, सो यूट्यूब के बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो प्रॉपरली आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट अभी समझना है डायग्राम के साथ, और उसका जो कंसेप्ट है वो भी सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बैरोमीटर स्टडी किया था, जिसके अंदर हमें सराउंडिंग का प्रेशर मेजर किया था। उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। हमने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट सिलेक्ट किए थे, और हमें ये चीज पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम होगा। सो अल्टीमेटली हमने सराउंडिंग का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, हाइट ऑफ द फ्लूइड मेजर किया था। मतलब हमने वहां पे उस ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड भरा था मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का लेवल, उसकी हाइट हमने ट्यूब के अंदर मेजर करी थी। इसीलिए हम नॉर्मली यूज करते हैं कि प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो हाइट एंड प्रेशर, अब इस प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच, इस टर्म के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर एक क्वेश्चन होता है काफी बच्चों को कि सर हमने प्रेशर सेंटीमीटर, मतलब मीटर में या फिर लेंथ के टर्म में क्यों यूज किया। एक्चुअली हमने सिर्फ मर्क्यूरी की हाइट मेजर की, इसके साथ जो पूरा फॉर्मूला होगा वो होगा एच इंटू रो इंटू जी, जिससे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एटीएम, इन टर्म्स ऑफ पास्कल। सो ये पूरी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। अब इस लेक्चर के अंदर ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिसके अंदर हम एक यू ट्यूब कंसीडर करेंगे, और उस यू ट्यूब को किसी भी कंटेनर के साथ कनेक्ट करेंगे, जिस कंटेनर के अंदर हमने गैस फिलअप किया होगा। सो पहले प्रॉपरली डायग्राम हम लोग पूरी समझेंगे। सो इस यूट्यूब को हमने एक गैस कंटेनर के साथ कनेक्ट किया। प्रॉपरली डायग्राम को बनाना है आपको। सो ये जो होगा गैस कंटेनर, यूट्यूब। अब
पूरा प्रोसीजर आपको प्रॉपरली ध्यान से समझना है कि इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरा है और गैस एंड फ्लूइड के अंदर मतलब फ्लूइड मतलब कि लिक्विड के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होगा। तो जब भी इसके अंदर गैस पार्टिकल की बात करेंगे हम कि अगर हमने यहाँ पे गैस पार्टिकल भरे है तो गैस का जो प्रेशर होगा पूरे कंटेनर के अंदर सेम होगा, मतलब कि यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे एट एवरी पॉइंट ड्यू टू गैस प्रेशर इज सेम। सो यहाँ पे एक हमें गैस का प्रेशर मिलेगा, इसी प्रेशर को हमें मेजर करना है। अब इसी कंटेनर को हमने यूट्यूब के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने इस यूट्यूब के अंदर एक फ्लूइड भरा है, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी। अगर हमने इसके अंदर मर्क्यूरी भरा और मर्क्यूरी लेवल हमें मिला 1 सो हमने जैसे यहां पे मर्क्यूरी फिलअप करना स्टार्ट किया, मतलब कि इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर ये एक फ्लूइड हमने कंसीडर किया जिसकी डेंसिटी होगी रो। अब यहां से गैस के पार्टिकल्स इस वाले कंटेनर से सीधा ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड होगा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। यहां से हमें ऊपर से मिलेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। हमने पूरी सिस्टम को स्टेबल होने दिया। यहां पर हमने देखा कि एक हाइट तक मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। अब इससे ऊपर मर्क्यूरी नहीं जा सकता बिकॉज यहां से जो प्रेशर था और इस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर हुआ ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड लेवल हमारा स्टेबल हो गया। इसी से यहाँ पे भी हमारे एक स्टेबल हाइट मिलेगी। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो इस गैस कंटेनर के अंदर जो गैस फिलअप किया हमने उस गैस का प्रेशर। तो अगर इसका प्रेशर हम और भी इंक्रीज करेंगे तो ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट इन प्रेशर यहाँ पे सीधा प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहां तक। सो हमें दिखेगा कि यहाँ पे फ्लूइड की हाइट और भी इंक्रीज होगी। सो फ्लूइड की हाइट के साथ हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमने क्या देखा, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से हमने फ्लूइड को देखा कि एक हाइट के ऊपर वो स्टेबल हो जाएगा। अब इससे ऊपर फ्लूइड नहीं जा पाएगा बिकॉज यहाँ का जो प्रेशर था और उसी से यहाँ का जो प्रेशर मिला हमें फ्लूइड की हाइट का प्रेशर वो दोनों सेम हो गया, मतलब यहाँ पे फ्लूइड स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमें हाइट मिलेगी ये हमारी स्टेबल हाइट है। अब हमें इस कंटेनर का, इस गैस का प्रेशर मेजर करना है। तो हमें ये एक चीज पता है कि कंटेनर के अंदर या फिर इस ट्यूब के अंदर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी बोथ पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब कि जितना प्रेशर पॉइंट ए पे बनेगा उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे बनेगा। प्रेशर एट पॉइंट ए, ये प्रेशर किसका होगा, तो प्रेशर डायरेक्टली होगा इस गैस मॉलिक्यूल्स का बिकॉज यहां से ये प्रेशर डायरेक्टली यहां तक ट्रांसमिट होगा। सो प्रेशर एट पॉइंट ए मतलब कि प्रेशर ऑफ अ गैस। अब इसी गैस का हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, पूरी सिस्टम को एक बार रिवाइज करेंगे। सपोज हमारे पास एक गैस कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक गैस फिलअप किया है, उस कंटेनर को हमने यूट्यूब के साथ मतलब यू शेप की ट्यूब के साथ हमने कनेक्ट किया है और हमने उसी के अंदर एक फ्लूइड भी भरा है। जैसे हमने कंटेनर के साथ इसको कनेक्ट किया हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है फ्लूइड की हाइट। हमें यहाँ पे ये दिखेगा कि इस वाले लेफ्ट आर्म के अंदर फ्लूइड अप और डाउन कहां तक होगा, जितना प्रेशर ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंटेन करेंगे उतनी हाइट तक ही फ्लूइड जा पाएगा। उसके बाद एक स्टेबिलिटी हमें दिखेगी कि अब यहां से जो प्रेशर मिलेगा इस फ्लूइड को और यहां से फ्लूइड का जो प्रेशर यहां पे मिलेगा दोनों सेम हो गया, मतलब कि अब हाइट इसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। इसी की वजह से हमें यहां पे भी एक स्टेबिलिटी मिलेगी। सो ये पूरी एक सिस्टम हो जाएगी हमारी स्टेबल हाइट के लिए। अब हमें क्या करना है, इसी यूट्यूब के अंदर दो पॉइंट्स को कंसिडर करना है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और हमें ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंसीडर करना है।
तो हमें ये चीज पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। बट प्रेशर एट पॉइंट ए किसकी वजह से है यहाँ पे, तो प्रेशर एट पॉइंट ए गैस की वजह से है, तो हमें जो अल्टीमेटली प्रेशर एट पॉइंट ए मिलेगा वो प्रेशर किसका होगा, जिस गैस को हमने कंटेनर में भरा है उसी गैस का ये प्रेशर होगा एट पॉइंट ए। अब पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी के ऊपर किसका प्रेशर होगा, तो पॉइंट बी के ऊपर एक तो ये फ्लूइड कॉलम जिसकी हाइट हम कंसीडर करेंगे एच, जिस फ्लूइड को हमने यहां पे भरा है उसका डेंसिटी होगा रो, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बनेगा एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट प्लस फ्लूइड कॉलम का प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। सो ये अल्टीमेटली चीज हमें करनी है, पहले सिर्फ कंटेनर को यूट्यूब के साथ कनेक्ट करना है, स्टेबिलिटी तक हमें वेट करना है, ऑब्जर्वेशन लेना है, एक हाइट मिलेगी हमें, उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना है, एक पॉइंट रहेगा लेफ्ट आर्म पे, दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा राइट आर्म पे। अब दोनों पॉइंट एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही वेसल के अंदर है, तो सेम फ्लूइड के लिए सेम वेसल के लिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। तो इसी कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करेंगे हम, तो लिख सकते हैं हम डायरेक्टली प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। इस थ्योरी का, इस इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसके इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में, इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज वाले पार्ट से, जिसमें आपको बैरोमीटर एंड मैनोमीटर का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल रीजन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेम बनेगा। प्रेशर एट पॉइंट ए, ये प्रेशर किसका होगा, प्रेशर ऑफ अ गैस पॉइंट ए के ऊपर, प्रेशर कौन यहां पे अप्लाई करेगा, गैस विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। सो प्रेशर ऑफ अ गैस पी ए, ए मीन्स कैपिटल ए मीन्स प्रेशर एट पॉइंट ए, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पी विच इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर हमने मान लिया पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम एच रो जी। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, हमने जब डेप्थ के लिए फॉर्मूला स्टडी किया था तभी ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। अब उस इस फॉर्मूला का और भी बेसिक सिग्निफिकेंस है, स्पेशली यूट्यूब वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट किया गैस का, वो प्रेशर हमें कितना मिला, पी नॉट प्लस एच रो जी, मतलब कि एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। इस चीज को, इस प्रेशर को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हमें किसी ने पूछा कि पी माइनस पी नॉट, मतलब कि जो प्रेशर हमने मेजर किया, सपोज हमने मान लिया कि एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, मतलब कि वैक्यूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया, तो पी माइनस पी नॉट, या फिर पी नॉट जीरो हो गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, या फिर हमें ऐसी चीज मेजर कर रही है कि सिर्फ फ्लूइड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होगा, तो यहाँ पे अगर हम पी माइनस पी नॉट करें तो हमें मिलेगा पी जी विच इज इक्वल टू एच रो जी। तो ये जो टर्म है इसको हमने नाम दिया है गॉज प्रेशर। सो गॉज प्रेशर का भी हमें एक फॉर्मूला मिला, पी जी इज इक्वल टू एच रो जी, या फिर पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एच रो जी।
तो स्पेशली एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर के बेसिस पे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो इस लेक्चर के अंदर, ये फर्स्ट थियरी के अंदर हमें ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी गैस कंटेनर का प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल, अगर हमारे पास फुटबॉल होगा तो फुटबॉल के अंदर कितना प्रेशर है ये हमें मेजर करना है, या फिर फुटबॉल के अंदर हम कितना प्रेशर डाल सकते हैं और जिससे उसकी बॉडी स्टेबल रहे, स्टेबल इन द सेंस कि हम इसको अच्छे से प्ले कर पाए। तो अगर हमें ये चीज पता हो कि ये इसके अंदर हवा कम है या फिर हवा ज्यादा है, इसका मतलब कि प्रेशर कम है या फिर प्रेशर ज्यादा है, ये चीज कब पता चलेगी? एक तो हम नॉर्मली हाथ से पुश करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर हवा कम है, प्रेशर कम है, मतलब कि हमें और भी गैस इसके अंदर फिलअप करना है। बट द क्वेश्चन इज कितना गैस इसके अंदर एड करें। अब कितना गैस मतलब कि ये गैस का अमाउंट हम नहीं मेजर कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर इसके अंदर हम डाल सकते हैं, एक प्रेशर की लिमिट होगी। तो अगर हमने फुटबॉल के साथ ये यूट्यूब कनेक्ट कर ली और इस यूट्यूब से हमने पी मतलब कि प्रेशर ऑफ दी गैस मतलब कि प्रेशर ऑफ दी सिस्टम मतलब कि प्रेशर ऑफ दी फुटबॉल इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, ये प्रेशर हमें मिल जाएगा पी नॉट प्लस एच रो जी से। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है 1.5 एटीएम और हमारे मतलब हमें जो प्रेशर मिला यहाँ पे सिस्टम के अंदर फुटबॉल के अंदर वो मिला 0.5 एटीएम, तो हमें पता है कि 1 एटीएम जितना प्रेशर और भी ऐड करना है। सो 1 एटीएम जितना प्रेशर और ऐड करने के लिए हमें कितनी हवा इसके अंदर भरनी होगी, ये चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी इतना ही है कि हम किसी भी सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना प्रेशर रिलीज करना हमें पंप यूज करके, ये सारी चीज का कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। इसलिए हमने ये दो टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। और एक चीज जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें बतानी थी कि बैरोमीटर के अंदर जब हम उस ट्यूब को पहले से थम से टाइट कर एयर टाइट करते हैं, उसी ट्यूब को हम कंटेनर के अंदर उल्टा करेंगे। So, हमने क्या चीज देखा कि उस कंटेनर से उस यूट्यूब से मर्क्यूरी लेवल थोड़ा डाउन होगा। सो जब मर्क्यूरी लेवल डाउन होगा तो ट्यूब के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एंटर होंगे, बट हमें ये चीज पता है कि एयरटाइट है। सो मर्क्यूरी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है मर्क्यूरी इन द वेसल, सो बीच में एयर का कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा। तो हमें ये चीज पता थी कि उस ट्यूब के एंड के ऊपर एक वैक्यूम मिलेगा, उस वैक्यूम को साइंटिस्ट के नाम से हम टॉरिसेलियन वैक्यूम भी बोल सकते हैं। सो ये एक वर्ड याद रखना है, टॉरिसेलियन वैक्यूम या फिर टॉरिसेलियन वैक्यूम, इस वैक्यूम का स्पेसिफिक नाम हमने रखा था। सो ये एक पॉइंट डिस्कस करना था, शायद आपको कभी कहीं भी ये वर्ड दिखाई दे कि टॉरिसेलियन वैक्यूम क्या होगा, क्या होता है, तो ये चीज बैरोमीटर के अंदर हम यूज करते हैं। जो वैक्यूम क्रिएट होता है ट्यूब के एंड पे, उस वैक्यूम को साइंटिस्ट के नाम से बोलते हैं टॉरिसेलियन वैक्यूम। तो ये एक पॉइंट डिस्कस करना था। सेकंड, ये मैनोमीटर, अब इसी मैनोमीटर के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं यूट्यूब के बेसिस पे। सो प्लीज इसको कॉपी कर लो, पूरी थियरी स्टेटमेंट के साथ लिखनी जो आपको नोट्स में मिलेगी। अभी सिर्फ जो कंसेप्ट है, जो चीज आपको नोट डाउन करनी है, वो चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो अब जो नेक्स्ट थियरी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस थियरी के अंदर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में भी आई थिंक स्टडी किया था। सो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने कौन कौन से कंसेप्ट देखे थे और कौन से कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक फिजिकल क्वांटिटी बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बॉयंट फोर्स का यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, बॉयंट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज इस सारे कंसेप्ट के बेसिस पे एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम बैरोमीटर मैनोमीटर इस दोनों कंसेप्ट के ऊपर
न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे भी हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। सो अभी इस लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। हमने ये प्रैक्टिकली ये चीज देखी है कि सपोज पानी की बात करें, वाटर की, वाटर के अंदर हमने सपोज एक वुडन प्लेट वहां पर हमने थ्रो की, तो काफी बार हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ऐसे मटेरियल्स हम पानी के अंदर डालेंगे किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट का हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर सिंक हो जाएगा, ग्लास बीकर और ऊपर नेल, आयरन नेल हम रखें तो आयरन नेल सीधा नीचे मतलब सिंक हो जाएगी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने ये लिया कि हमने ऐसे भी ऑब्जेक्ट देखे जिसको पानी में फेंका और हमने देखा कि वो फ्लोट करेगा। और थर्ड जो होता है वो सबमर्स्ड, थोड़ा पार्ट उसका सिंक हुआ होता है और थोड़ा पार्ट उसका बाहर दिखेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल आइसबर्ग, टाइटेनिक मूवी हम सब ने देखी है, तो आइसबर्ग वाले मैक्सिमम एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं। इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर अराउंड 250 BC ग्रीक साइंटिस्ट ने एक लॉ बनाया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड के अंदर ऐड करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को नाम दिया हमने बॉयंट फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना पानी जितना फ्लूइड वहां पे डिस्प्लेस होगा उसका जो मास होगा उतना ही फोर्स मतलब उतना ही मास इंटू जी उतना फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा अपर डायरेक्शन में। सो सपोज ये हमने एक कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा है, हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस फ्लूइड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, इस फ्लूइड की डेंसिटी होगी फॉर एग्जांपल रो। अब सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने इस फ्लूइड के अंदर ऐड किया, हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्यों सिंक होगा, दूसरे कंटेनर में हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया, फॉर एग्जांपल ये आयरन बार था, सेकंड एग्जांपल सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने वुडन ब्लॉक लिया तो हमने देखा कि वुडन ब्लॉक वहां पे फ्लोट होगा, तो मटेरियल दोनों सेम नहीं है, दोनों का डायमेंशन में भी सेम हो सकता है, बट हमने एक ऑब्जर्वेशन ये लिया कि मटेरियल सिंक हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये लिया कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे फ्लोट करेगा। तो जैसे ही इस वाटर के अंदर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल स्टेट में रहने की ट्राई करेगा, मतलब कि जो चेंज हो रहा है इसके अंदर उस चेंज को अपोज करेगा, अपोज द चेंज, मतलब कि हमने किस चीज को चेंज किया, तो इसका जो स्टिल नेचर था, शार्प और स्टेबल नेचर था, उस नेचर को हमने डिस्टर्ब किया, हमने एक ऑब्जेक्ट को वहां पे ऐड कर लिया। जैसे वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, हमने उस ऑब्जेक्ट को नीचे डालने की ट्राई की, पानी के अंदर ऐड करने की ट्राई की, तो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स उसको बाहर निकालने की ट्राई करेंगे, तो हमें एक अप थ्रस्ट मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अप थ्रस्ट। तो सारे मॉलिक्यूल्स ट्राई करेंगे कि ऑब्जेक्ट बाहर चला जाए। अब इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा उस फोर्स के मुकाबले अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स कम हुआ तो ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे चला जाएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होगा उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लिया तो ये ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं आने देगा, उसके ऊपर ही फ्लोट करवाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो इस चीज को फिजिकल टर्म में हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होगी, इस डेंसिटी से अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ये एक फिजिकल टर्म में डेफिनेशन हुई। अब जो रियलिटी में जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट था कि हमने जैसे किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्स किया तो
इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा W, उसका जो वेट होगा W, उतना फोर्स उस फ्लूइड की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, वो भी अपर डायरेक्शन में, मतलब कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज को हमने नाम दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड करेंगे, प्रॉपरली स्टडी करेंगे, बट अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी टर्म में मैंने आपको ये चीज बताई कि किसी भी सिस्टम में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे वो सिस्टम उस डिस्टर्बेंस को अपोज करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, हमने जैसे इस ऑब्जेक्ट को इमर्स करना स्टार्ट किया सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अपोज करेंगे। सो अपोजिट फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का फोर्स ज्यादा हुआ लिक्विड के ऊपर, उस फ्लूइड के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। सिंपल चीज। तो इसी चीज को हमने नाम दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इसी चीज को हम स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल टर्म भी देखेंगे और उसका पूरा प्रूफ भी हम देखने वाले हैं। तो मेन इस चैप्टर का रिलेशन होगा वो डेंसिटी के साथ। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक करेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कंपेयर टू फ्लूइड कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी जितनी होगी तो वो सबमर्ज होगा, ना वो सिंक करेगा ना वो फ्लोट करेगा। तो इसी सारी चीज को हमें मैथमेटिकली प्रूव करनी है, और पूरा प्रूफ करने के बाद इसी के बेसिस पे हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू।